गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय फंडेशन क्लासेस योर एनी टाइम क्लासरूम। तो कैसे अभी चल रहा है हमारा डेली करंट अफेयर्स शो, और आज डेट है 1 अगस्त 2019। तो 1 अगस्त 2019 के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उन सभी को अभी हम लोग कवर करेंगे। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि किस क्रिकेट खिलाड़ी को BCCI द्वारा हाल ही में डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद 8 महीनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। कौन से खिलाड़ी हैं वो? वह हैं पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ क्रिकेटर हैं, आप जानते हो। तो अभी हाल ही में BCCI ने इनको डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाया और इसके बाद 8 महीनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया। इनका जो डोपिंग टेस्ट किया गया था वो किया गया था फरवरी महीना में, ठीक है, 22 फरवरी को इनका डोपिंग टेस्ट हुआ था जिसमें इनका रिजल्ट पॉजिटिव आया था और उस पर फिर चर्चा हो रही थी। तो अब इनको फाइनली बैन कर दिया गया 8 महीनों के लिए। ये 8 महीना इनका 15 नवंबर को पूरा हो जाएगा, 15 नवंबर 2019 को। तो 15 नवंबर 2019 तक ये नहीं खेल पाएंगे। एक्चुअली में जो इनका टेस्ट किया गया उसके उसमें जो इनके खून में पाया गया वो पाया गया टर्बुटेलाइन। क्या पाया गया? टर्बुटेलाइन वाडा के द्वारा एक प्रतिबंधित मटेरियल है जो इनके खून में पाया गया, जिसके कारण से इन पर बैन लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, कैफे कॉफी डे के संस्थापक वीजी सिद्धार्थ का शव हाल ही में दक्षिण भारत की किस नदी में मिला है? तो कैफे कॉफी डे ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है, ठीक है, और इनके जो संस्थापक हैं वीजी सिद्धार्थ ये अभी कुछ ही दिन से लापता चल रहे थे और इनको ढूंढने के लिए करीब 200 लोगों का एक दल जुटा हुआ था, लेकिन दुख की बात है कि ये जिंदा नहीं मिले हैं। ये मिले हैं, इनका शव मिला है और वो शव मिला है नेत्रावती नदी में। कौन सी नदी है? ये है नेत्रावती नदी, जो साउथ इंडिया की एक नदी है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा के कलाकारों को फेलोशिप दिए जाने की श्रेणी में शामिल किया गया है? तो किस भाषा के कलाकारों को भी फेलोशिप दिए जाने की श्रेणी में शामिल किया गया? वो है संथाली। संथाली और नेपाली ये दो भाषा को शामिल किया गया। कौन कौन सा है? संथाली और नेपाली भाषा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया वित्त सचिव किसको नियुक्त किया गया है? ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। कौन है ये? ये है राजीव कुमार। राजीव कुमार को नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। वित्त सचिव अभी थे कौन? तो अभी वित्त सचिव थे सुभाष चंद्र गर्ग, ठीक है। सुभाष चंद्र गर्ग ने रिजाइन कर दिया है, तो इनका स्थान कौन लेंगे? ये लेंगे राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की सेना ने युद्ध में बेहतर प्रदर्शन और दुश्मन पर त्वरित आक्रमण करने की अपनी क्षमता में वृद्धि करने के लिए पहले एकीकृत युद्ध समूह का गठन करने का फैसला किया है? तो कौन सा देश है जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स का गठन करने जा रहा है? तो यह है भारतीय सेना। कौन सा देश है? वह देश है भारत, जहाँ पे इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स का गठन किया जाएगा ताकि युद्ध में बेहतर परफॉर्मेंस दिया जा सके। अगला क्वेश्चन है, विश्व भर में प्रसिद्ध किस राज्य में पाए जाने वाले मकराना के संगमरमर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब मकराना आ गया है तो आप सबको पता होगा ये मकराना कहाँ है। तो मकराना है राजस्थान में और मकराना का जो संगमरमर है वो वर्ल्ड फेमस है, ठीक है, इसी कारण से इसको विश्व विरासत की सूची में भी शामिल किया गया है। अब ये इतना फेमस है, क्यों फेमस है? फेमस होने का कारण है कि यहाँ का जो संगमरमर का कलर है वाइट कलर, वो कभी वाइट कलर जाता ही नहीं है, वो वाइट बना रहता है अगर उस पर एक्सटर्नल फैक्टर बहुत अधिक मात्रा में काम ना करे तो, ठीक है। जैसे हमारा ताजमहल जो है वो इसी से बना हुआ है और ताजमहल का कलर वाइट ही रहता अगर वहाँ पे एसिड रेन नहीं होता तो। अगर आप एसिड अटैक करवा देते हो कहीं पे, कुछ भी ऐसा करते हो, तब तो अलग बात है, लेकिन वो वाइट धूमिल नहीं होता है, इसका ये सबसे बड़ा खासियत है। तो कौन सा वो संगमरमर है? वो है मकराना का संगमरमर जो राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा ने निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2019 पारित किया जिसका उद्देश्य राज्य के कितने निजी विश्वविद्यालयों को एक ही कानून के अंतर्गत लाना है। उत्तर प्रदेश में अभी कुछ ही दिनों से जो निजी विश्वविद्यालय विधेयक है उस पर काम चल रहा है और इसमें टोटल 27 विश्वविद्यालयों को एक ही कानून के अंतर्गत लाने का विचार है।
तो यहाँ यूपी का चर्चा हुआ है, तो यूपी के सीएम कौन है ये आपको पता होना चाहिए। यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, और यूपी के गवर्नर कौन है, तो ये न्यू गवर्नर है, शायद अभी तक आपको याद नहीं हुआ होगा लेकिन याद कर लो, ये है आनंदी बेन पटेल, ये बन गई है यूपी के गवर्नर, ठीक है। और इससे पहले राजस्थान आया होता, राजस्थान के सीएम कौन है, ये है अशोक गहलोत, और राजस्थान के गवर्नर कौन है, यह कल्याण सिंह, ठीक है। देखो इसी तरह से आपको याद रहना चाहिए, जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया हुआ बताया कि यूपी के कौन है, राजस्थान के कौन है, तो इसी तरह से आपको सारे राज्य का याद रहना चाहिए। कभी भी आपसे अगर कोई भी पूछ ले सीएम या गवर्नर के बारे में, तो आपको इसके लिए अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं हो, आप हमेशा इसको पढ़ते रहो ताकि आपके दिमाग में वो सेट हो जाए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बैटरी उत्पादन के लिए टेस्ला स्लाइल सॉरी स्टाइल की कम से कम 4 गीगा फैक्ट्रीज स्थापित करने हेतु करीब $4 बिलियन का निवेश करने की घोषणा की है, तो वो कौन सा देश है, वो देश है भारत। भारत में बैटरी उत्पादन के लिए टेस्ला स्टाइल की कम से कम 4 गीगा फैक्ट्रीज की स्थापना की जानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के नियमों में संशोधन करके अब कितने लाख रुपए वार्षिक आय वाले को निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नियम में संशोधन किया है, जिसके तहत अब 5 लाख रुपए वार्षिक आय वालों को निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराया जाएगा। ये जो पहले था ये था 1.25 यानी 1.25 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए तक अगर वार्षिक इनकम है किसी का, ठीक है, तो उनको निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराया जाता था, लेकिन अब इसको संशोधित करके 5 लाख कर दिया गया है। अच्छा, ये जो संशोधन किया गया है ये किस जो आप बोल सकते हो ना, इसको किस अधिनियम में संशोधन किया गया है, तो ये है आपका प्राधिकरण अधिनियम 1987, प्राधिकरण अधिनियम 1987, इसका जो नियम है वो नियम 7 में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आप याद रखना, प्राधिकरण अधिनियम 1987 के नियम 7 में संशोधन किया गया है, और इसके तहत अब जो निशुल्क कानूनी सहायता है वह 5 लाख तक के इनकम वाले लोगों को भी मिलेगा, जो पहले मात्र 1.25 लाख रुपया था। अगला क्वेश्चन है, 8500 फीट की ऊंचाई से विंग सूट जंप करने वाले भारतीय वायुसेना के पहले पायलट का नाम क्या है, तो वो कौन से पायलट हैं जिन्होंने 8500 फीट की ऊंचाई से विंग सूट जंप किया है, तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है तरुण चौधरी। क्या नाम है उनका, तरुण चौधरी। इन्होंने MI-17 हेलीकॉप्टर को यूज किया है इस जंपिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है, 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा, खेलो इंडिया यूथ का तीसरा संस्करण आयोजित किया जाना है 2020 में, ये कहां किया जाएगा, ये किया जाएगा गुवाहाटी में, कहां किया जाएगा, असम के गुवाहाटी में। और अगर असम चर्चे में आया है तो असम से आपको यहां पे पता होना चाहिए कि असम का कैपिटल कहां है, बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, वो लोग गुवाहाटी मार देते हैं, असम का कैपिटल दिसपुर है, ठीक है, अगर आपका ये क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, अब लगभग सारे स्टूडेंट का ये क्लियर रहता है, ठीक है, लेकिन बहुतों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है गुवाहाटी है या दिसपुर है। गुवाहाटी असम का सबसे बड़ा सिटी है, लेकिन वहां का कैपिटल जो है वह है दिसपुर। और दूसरा, इसका सीएम कौन है, असम के सीएम अभी कौन है, तो असम के सीएम है सर्वानंद सोनेवाल, सर्वानंद सोनेवाल ये हैं असम के सीएम। और वहाँ के गवर्नर कौन है, तो वहाँ के गवर्नर है जगदीश मुखी, कौन है, जगदीश मुखी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी एरोस्पेस प्रमुख डेस ने जुलाई 2019 में 22 अपाचे लड़ाकों के पहले 4 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना को सौंप दिए, तो अपाचे लड़ाकू विमान जो भारत खरीद रहा है ये किस देश से खरीद रहा है, अमेरिका से खरीद रहा है। अमेरिका के किस कंपनी से खरीद रहा है, तो ये बोइंग से खरीद रहा है, किसे खरीद रहा है, बोइंग से। तो इसमें से 22 अपाचे लड़ाकू विमान खरीदा जाना है, इसमें से 4 उन्होंने अभी डिलीवर कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2019 में उत्तराखंड में हिमालय कॉन्क्लेव कहां आयोजित किया गया, हिमालय कॉन्क्लेव कहां आयोजित किया गया 2019 में, ये क्या गया, मसूरी में, और मसूरी कहाँ है, यह है उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में हिमालय कॉन्क्लेव आयोजित किया गया है 2019 में। अब यहाँ उत्तराखंड है, उत्तराखंड से आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड के सीएम अभी कौन है, यह है त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी के लीडर है, ये है उत्तराखंड में सीएम,
और वहां के गवर्नर कौन है उत्तराखंड के, ये है बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य ये है वहां के गवर्नर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया में लाबुआन बाजो में 23वें राष्ट्रपति कप बॉक्सिंग टूर्नामेंट में 51 किलोग्राम किलोग्राम के वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पहले नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अभी भी उतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन अब पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो जीतने वाले हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस गेम से ज्यादा। तो कौन है वो? वो है मेरी कॉम। तो मेरी कॉम से है रिलेटेड, इस कारण से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इंडोनेशिया के लाबुआन बाजो में 23वें राष्ट्रीय कप बॉक्सिंग टूर्नामेंट में 51 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता? ये जीता मैरी कॉम ने। अगला क्वेश्चन है, मिस डेफ वर्ल्ड 2019 का ताज किसे पहनाया गया? मिस डेफ वर्ल्ड, मिस डेफ वर्ल्ड, डेफ मतलब आपको समझ में आता होगा, ये बहरों के लिए था। ठीक है, तो मिस डेफ वर्ल्ड 2019 का ताज किसको पहनाया गया? ये पहनाया गया विदिशा बलियान को। किसको पहनाया गया? विदिशा बलियान को। विदिशा बलियान ये भारत से बिलोंग करती है और भारत के यूपी शहर से बिलोंग, सॉरी यूपी राज्य से बिलोंग करती है। ठीक है, और इनको पहनाया गया ताज मिस डेफ वर्ल्ड 2019 का, और ये आयोजित कहाँ हुआ था? ये आयोजित हुआ था साउथ अफ्रीका में। तो ओके फ्रेंड्स, तो आज के सेशन बस इतना ही। अब जो कल मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था बताता हूँ उसका सही आंसर, उसका सही आंसर है त्रिपुरा। कल मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था 7वीं आर्थिक जनगणना हाल ही में किस राज्य में आरंभ हुई है, ये आरंभ हुई है त्रिपुरा से। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसको आपको कमेंट में आंसर करना है, वो ये है कि सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन के क्षेत्र में कौन सा राज्य देश में पहले स्थान पर था। तो जो अभी रिपोर्ट आया उसमें से कौन सा राज्य पहले स्थान पे है सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन के क्षेत्र में, ये आपको कमेंट में आंसर करके बताना है। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, तो आप सभी आंसर करो। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।